नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं, बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए जुकनी की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और देखिए कुछ इस तरीके की होती है। कहीं कहीं इसे कद्दू भी बोलते हैं या फिर घिया भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम बिल्कुल ताज़ा और मुलायम जुकनी लेंगे। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की है और इसको हम कट कर लेंगे। इसको हमें छीलना बिल्कुल नहीं है, आसानी से कट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही मुलायम है, सॉफ्ट है। तो देखिए, आप जिस तरीके से कट करना चाहते हो उस तरीके से इसको कट कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक इसमें पीसेस कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया, ना बहुत ही बड़े टुकड़े ना बहुत ही छोटे टुकड़े। तो हमें पूरा काट लेना है। तो देखिए, जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको भी हम हटा देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसमें बीज बिल्कुल नहीं है और बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, मैंने अच्छे से कट कर लिया और इसको मैंने पहले से वॉश कर लिया था। तो आप इसके बाद आप चाहें तो इसे वॉश करें, ना चाहें तो ना वॉश करें, लेकिन पहले ज़रूर इसको अच्छे साफ पानी से इसको धुल लें, साफ़ कर लें। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इसको कट कर लिया। इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और आज इसकी सब्जी हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से। तो देखिए, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और निकाल करके एक साइड रख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। कढ़ाई रखते हैं, इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। तो मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला हुआ है। ये सरसों का ऑयल है, आप जो भी खाना पसंद करते हो वो डाल सकते हो। ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मेथी डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हींग डाल देते हैं 2 चुटकी, और अब इसमें हम लहसुन डाल देते हैं बारीक कटा हुआ, और अदरक डाल देते हैं, और प्याज, इन सबको मैंने बारीक कट कर लिया है। मैंने 6 से 7 लहसुन लिए हुए थे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और मैंने एक प्याज लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है, इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा इसमें अब 2 हरी मिर्च डालते हैं, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। जिस तरीके से अन्य सब्जियों के लिए प्याज और अदरक लहसुन भूनना जाता है, अब इसमें हम 1 टमाटर डाल देते हैं। तो टमाटर ज़्यादा पका हुआ ना लें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको बराबर चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये टमाटर नरम नहीं हो जाता। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 बाउल मटर, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चलाएंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। ढककर के इसको हम पकाएंगे, गैस का फ्लेम लो कर देंगे, 1 से 2 मिनट पकाएंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अभी अच्छे से पका नहीं है, पर इसको हम एक बार और फ्राई कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं और ढक करके 1 मिनट के लिए और पकाते हैं। 1 मिनट बाद हम चेक देख लेते हैं कि किस तरीके से पका हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये 90% तक पक गया है। तो जब हम इसमें ये जुकनी डालेंगे तो थोड़ी देर और पकेगा। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जुकनी, जिसको मैंने कट कर लिया है टुकड़ों में। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, फ्राई करेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए, और अब हम इसको ढक देते हैं और 1 मिनट तक पकाएंगे। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि ये तली में लगे ना और जले ना, क्योंकि सब्जी जलने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए बराबर इसको चलाते हुए पकाना है। हम डाल देते हैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आप यदि ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें 1/4 चम्मच हम गरम मसाला डाल देते हैं, साथ में डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर इसको हम फ्राई करेंगे। और अब इसके बाद क्या करते हैं, हम ढक करके इसको फिर हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको पकने में लगेंगे, इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा पक गया है, पर इसे हमें और पकाना है। ढककर के और पका लेते हैं 2 से 3 मिनट। गैस का फ्लेम लो रखेंगे जिससे कि तली में लगे ना और जले ना और अच्छे से ये पक जाए, क्योंकि टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा ये कम पकता है, समय लगता है पकने में। अब ये अच्छे से पक गया है तो इसमें 1 चम्मच हम खटाई पाउडर डाल देते हैं, जिससे ये चटपटा खट्टा बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आए। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ती। आजकल धनिया पत्ती बहुत अच्छे से आ रही है और आप डाल सकते हो, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो देखिए, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया और बढ़िया से फ्राई कर लिया। बहुत बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं।
सर्व करने के लिए। आप यदि थोड़ी सी ग्रेवी वाली चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको पका सकते हैं। जब पकाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी हो जाएगी। तो बढ़िया यम्मी सी हमारी सब्जी बनकर तैयार है, जिसको आप पूड़ी के साथ, पराठा के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हो। बहुत ही यम्मी बनी है। तो दोस्तों, यदि ये हमारी जुकनी की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।